कृषि मीडिया एंड टेक किसानों के सपनों को दे एक नई उड़ान। रोक दो, बंद कर दो भाई, 6 मिनट पूरी होली, ये देख लो, एक लीटर से भी ज्यादा, एक लीटर से भी ज्यादा। ये देख लो भाई, सेपरेट टैंक था, आप लोग बोलते हो कि टैंक जो है आप अलग से लगाया करो, तो सेपरेट टैंक था और ये आपके सामने है कि डीजल खा लिया भाई। अब जो है उधर खड़ा हुआ है न्यूलैंड का 65 एच पी का फोर टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है, उसके ऊपर चलाएंगे और उसके ऊपर भी देखेंगे क्या डीजल खपत वो करता है ट्रैक्टर भाई। वो भी 65 एच पी का ट्रैक्टर है, ये भी 65 एच पी की कैटेगरी का ट्रैक्टर है, प्रॉपर जो है 63 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है ये। 6 मिनट में डेढ़ से लगभग डेढ़ से थोड़ा सा ज्यादा है, उसे खांसी लगा लेंगे। तक जो है ये रोटावेटर 9 फीट का रोटावेटर है शक्तिमान का, जो इंडिया 4405 के पीछे चल रहा था, अब 65 के पीछे जोड़ा है 130 का ट्रैक्टर है भाई। अब तक जो है ये रोटावेटर 9 फीट का रोटावेटर है शक्तिमान का, जॉन डियर 4405 के पीछे चल रहा था, अब 6510 के पीछे जोड़ा है, एक्सल सीरीज का ट्रैक्टर है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे दोस्तों। मैं आपको एक बार डीजल टैंक भी दिखा देता हूँ, इसके अंदर भी सेपरेट जो है डीजल टैंक लगा लिया है दोस्तों, ये देख लो। और पूरा इसके अंदर जो डीजल है वो 2 लीटर कर लिया है, देख लो। और ये जो ट्रैक्टर है भाइयों, ये 65 एच पी का ट्रैक्टर है, और जो जॉन डियर है वो 63 एच पी का ट्रैक्टर है। अब यहाँ पे देखो, इस रोटावेटर के ऊपर देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा मिलता है और डीजल खपत इसकी कैसी रहती है। कितने आरपीएम पे चलाओगे? 2100 पे ही चलाओ भाई, 2100 आरपीएम पर ही चलाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा एक बार, कौन सी गियर में चला रहा हूँ, पहले गियर में 540। ये भाइयों स्टॉप वॉच भी जो है शुरू कर लेते हैं, चलो जी बढ़ाओ आरपीएम। सभी भाइयों 2100 आरपीएम पर ही चलाएंगे, कौन से गियर में चला रहे हो, पहले में मीडियम के? भाइयों पहले गियर में चला रहे हैं, ये देख लो। इसकी चाल भाइयों थोड़ी सी ज्यादा है उसके मुकाबले, लीवर दोनों डाउन है, लीवर देख लो भाइयों। बहुत ही जबरदस्त चल रहा है भाई, ये देख लो आप लोग, आरपीएम कितने जोड़ रहे हो, 300-400 भाइयों, 300 से लेकर 400 आरपीएम तक तोड़ रहा है ट्रैक्टर। और ये रोटावेटर का परफॉर्मेंस आप लोग देख लो, यो 1 मिनट 41 सेकंड जो है हो चुके हैं, ये देख लो। और ये इसने आधा चक्कर जो है यहाँ पर 2 मिनट के समथिंग में पूरा कर लिया है, जिसे जॉन डियर को लगभग 4 मिनट के समथिंग लग गए थे। हल्की सी चाल ज़्यादा है भाइयों, वही खेत है भाइयों, यहाँ ये जॉन डियर का फेरा है और ये इसका फेरा है, देख लो बिल्कुल बराबर में फेरा लगा रहे हैं, ये देख लो। ट्रैक्टर बिल्कुल फ्री चल रहा है, आप लोग देख लो,
भाइयों कोई छेड़छाड़ नहीं है, लीवर भी फुल डाउन है। सेपरेट टैंक जो है लगा हुआ है इसके अंदर भी, और ये जो है 3 मिनट हो चुके हैं, ये देख लो मैं आपको दिखा दूं, ये देखो 3 मिनट 17 सेकंड हो चुके हैं इसको चलते हुए। ट्रैक्टर बिल्कुल ही स्मूथ चल रहा है भाई, ये 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, ये 2900 सीसी के समथिंग का ही इंजन है इसके अंदर भी, और जॉन डियर के अंदर भी 2900 ही सीसी का इंजन है भाइयों। 2 HP केवल 2 HP इसकी ज्यादा है उससे। बिल्कुल खुलकर चल रहा है, 2 मिनट हो रहेगी, 2 मिनट। हाँ उसने आधा चक्कर मारा था 4 मिनट में, इसने 4 मिनट में पूरा चक्कर लग गया, 2 मिनट बच रही है, 2 मिनट में पहुंच जाएगा वहां तक। रोटावेटर देखो मिट्टी कितनी सारी लेके चल रहा है, और बिल्कुल पट खेत है, गन्ने का खेत है, जिसको हमारी देसी भाषा में मुड्ढे का खेत बोला जाता है भाइयों। मैं आपको ऊपर चल के एक बार RPM भी इसके दिखाता हूँ। अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई फालतू का लोड नहीं ले रहा है ट्रैक्टर, ना ही धुआं दे रहा है, आप लोग देख लो। ये रोटरी पंप के साथ में है भाइयों, और इसके अंदर जो है 5 मिनट जो है होली है, 5 मिनट 19 सेकंड हो चुकी है। मिनट 40 सेकंड भाई हो चुकी हैं, ये देख लो। और ये 53, 54, 55, 56 बंद कर दो पूरे भाइयों, ये देख लो 6 मिनट जो है हो चुके हैं, ये देख लो। इसने उससे लगभग इसने भी भाइयों लगभग 1100 ग्राम के आसपास ही खाया है डीजल, लगभग कम ज्यादा, जबकि ये जो ट्रैक्टर है उससे 2 HP ज्यादा है, वो 63 हॉर्स पावर है, ये 65 हॉर्स पावर है, और इसने जो फेरे लगाए हैं यहाँ पर उससे जस्ट डबल फेरे लगा दिए, उसका केवल 1.5 फेरा लगा था और इसका 2.5 फेरा लग चुका है यहाँ पर। बाकी जॉन डियर जो है लगभग 600 से 700 RPM के समथिंग तोड़ के चल रहा था, जबकि ये 300 के समथिंग तोड़ के चल रहा था, 200 250 300 तक तोड़े इसने। तो भाइयों ये थी कंप्लीट वीडियो दोनों ही ट्रैक्टर का, आपको माइलेज दिखाया कि किस तरीके का कैसा माइलेज है। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलती रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।